अक्सर हमने लोगों से पहाड़ों के बहुत से किस्से सुने हैं, चाहे वो हिमाचल की पहाड़ियाँ हो, उत्तराखंड के छलावे या फिर दार्जिलिंग के किस्से। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, हिमाचल के पहाड़ों की। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमारे इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी हो सकती है खौफनाक नाइट्स की अगली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चौकी दर के आगे मौत है, बियॉन्ड थियोराइज्ड डेथ। आकाश, विकी और रोहन तीनों दिल्ली के रहने वाले थे और एक ही जगह जॉब करते थे। दिसंबर का महीना था, तीनों ने डिसाइड किया कि इस बार तीनों न्यू ईयर दिल्ली में नहीं बल्कि कहीं और मनाएंगे। फिर तीनों ने प्लान किया कि वो लोग कोई हिल स्टेशन जाएंगे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग शिमला जाएंगे, और फिर तीनों 31st का वेट करने लगे और आखिर उनका इंतजार खत्म हुआ। तीनों अपने प्लान के मुताबिक 30 दिसंबर की सुबह अपने कार से दिल्ली से निकले। तीनों अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से रात के करीब 2:30 बजे शिमला पहुंचने वाले थे। चलते चलते रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा और कोहरा छा जाता है। तीनों आपस में बात करने लगते हैं। यार पता नहीं तुम लोग को भूख लग रही है या नहीं, मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। खाया तो था ना रास्ते में नूडल्स वगैरह। अरे नहीं आकाश, लगता है इसका पेट 31st की पार्टी को ही भरेगा। क्यों? टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी ड्राइव कर, इस स्पीड में चलाएगा तो कल रात भी नहीं पहुंचेंगे। गाइस अगर जल्दी पहुंचना है ना तो शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट? तुझे कहीं शॉर्टकट पता है विकी? हाँ पता है ना, चल गाड़ी घुमा वहीं से चलते हैं। शॉर्टकट, अक्सर लोग जल्दी और आसानी के चक्कर में शॉर्टकट ले लेते हैं, और उन तीनों फ्रेंड्स ने भी उस दिन कुछ ऐसा ही किया जो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तीनों हाईवे से गाड़ी घुमा लेते हैं और एक शॉर्टकट ले लेते हैं। फिर तीनों बात करने लगते हैं। ये रोड तो इतनी बड़ी है फिर भी इतना सुनसान, स्ट्रेंज। ये तो मुझे बिल्कुल हॉरर मूवीज की याद दिला रही है। सुनसान सड़क, पहाड़ी रास्ता, बेबस लड़के और लिफ्ट मांगती हुई साड़ी में सुंदर लड़की जो एक्चुअल में चुड़ैल निकलती है, और फिर कार्स के साथ साथ दौड़ती है, और फिर चुप। विक्की यार ऐसी सिचुएशंस में तो ये सब मत बोल, डर गया रोहन। बट आकाश तू और एक चीज ऐड करना भूल गया। वो क्या? हनुमान चालीसा। अच्छा चल तो अब हनुमान चालीसा ही प्ले करते हैं। कहाँ से प्ले करे, नेटवर्क तो है ही नहीं यहाँ पे। तुम्हें से आती है किसी को थोड़ी सी भी हनुमान चालीसा? नहीं यार। रात के करीब 2 बज रहे थे। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद रास्ते के साइड में उन्हें दूर से एक कार नजर आती है जिसके पास एक लड़की खड़ी थी जिसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। जब तीनों कार के पास पहुंचते हैं तो वो लड़की उन्हें लिफ्ट मांगते हुए इशारा करती है। ये कौन है भाई? हम तीन हत्ते कत्ते लड़की यहाँ डर रहे हैं और ये लड़की अकेले यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरी बातें सच तो? सुनसान सड़क, लड़की लिफ्ट मांगते हुए, चल जोक सपाट, मदद करते हैं उसकी। यार कभी कभी बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए यार। स्ट्रेंजर्स से ना तो कुछ खाना पीना चाहिए ना ही लिफ्ट, खासकर ऐसी सुनसान सड़क पे लड़कियों को। रोहन तेरा मतलब एक छुड़ैल है? तुझे नहीं पता छुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं? छुड़ैल हमेशा साड़ी में होती है, ज्यादातर व्हाइट और रेड। हाँ यार रोहन सही कह रहा है आकाश, और छुड़ैल के पास कहाँ से कार आ जाएगी? हॉरर मूवीज देखना बंद कर यार दोनों, दिमाग लगा अपना। तीनों उस कार के पास पहुंच जाते हैं। उस कार के पास आते ही उन्हें परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। विकी कार रोकने वाला था, उसने कार की स्पीड स्लो की।
लेकिन तभी रोहन ने अचानक चिल्लाया, डोंट स्टॉप, गाड़ी मत रोक। और फिर रोहन के कहने पर विक्की ने गाड़ी नहीं रोकी, जिससे विक्की और आकाश रोहन से नाराज हो गए। रोहन, तूने मुझे गाड़ी रोकने से मना क्यों किया? बिचारी लड़की अकेली है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है, अब कौन मदद करेगा उसकी? क्या करेगी सुनसान सड़क में रात भर अकेली? मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। दिमाग लगा यार, एक शरीफ लड़की अकेले ऐसे रात को सुनसान सड़क पर क्या करेगी? आकाश, रोहन, तुम दोनों ने कोई परफ्यूम लगाई है? नहीं भाई, हम भला लड़कियों वाला परफ्यूम क्यों लगाएंगे? अरे शीत्या, ये तो क्या हुआ? आकाश, do you guys remember? ये परफ्यूम की स्मेल तब आ रही थी जब हम उस लड़की के पास से गुजर रहे थे। तीनों का मजाक अब डर में बदलता जा रहा था। अब उनको समझ आ रहा था कि कुछ तो सही नहीं है। फिर उनके साथ वो हुआ जिससे तीनों की बोलती बंद हो गई। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उन्हें फिर वही लड़की कार के साथ दिखाई देती है। ओह माय गॉड, रोहन, तू तो सही था, ये विकी, डोंट स्टॉप, स्पीड पर चल। थैंक गॉड रोहन, हमने तेरी बात मान ली, वरना अभी भी खतरा टला नहीं है। पेकर भगवान से। उनकी धड़कनें रुक सी जाती है जब कुछ देर निकलने के बाद फिर वो लड़की दिखाई देती है। तीनों अब डर के मारे कांप रहे थे। विकी जैसे तैसे बिना रुके गाड़ी चला रहा था। तीनों यही प्रे कर रहे थे कि जल्दी से वो रास्ता खत्म हो, उस लड़की से पीछा छूटे और तीनों सेफली वहां से निकल जाए। मजे की बात तो यह थी कि हर 3-4 मिनट में वो सीन रिपीट हो रही थी। उन्हें वो लड़की 4 बार दिखाई दी और फिर वो रास्ता फाइनली खत्म हुआ और वो लोग मेन रोड पर आ गए। उन्होंने चैन की सांस ली और पास ही एक चाय की टपरी पर रुककर चाय पीने लगे। बाल बाल बचे यार, बचा लिया आज भगवान ने। All thanks to Rohan। उनकी बातें सुनकर चाय वाले ने उनसे पूछा, भैया आप लोग किससे बचने की बात कर रहे हैं? कहीं आप लोग इस रास्ते से तो नहीं आए ना? चाय वाले ने उस रास्ते की ओर इशारा किया। यह सुनकर तीनों एक दूसरे को घूरने लगे। फिर आकाश बोला, हाँ क्यों, ये रास्ता? अरे भैया, लगता है आप लोगों को नहीं पता, कई सालों से वो रास्ता खाली पड़ा हुआ है, रात को वहाँ से लोग नहीं गुजरते। आप लोगों के साथ क्या हुआ? फिर तीनों की कहानी सुनकर चाय वाला कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, भैया आप लोग ही न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तीनों के होश उड़ चुके थे और सबसे ज्यादा शौक उन्हें तब लगा जब न्यूज़पेपर में उन्हें उसी लड़की की फोटो दिखाई दी। दरअसल कुछ ही सालों पहले उस रोड पर एक लड़की जो बाहर से आई हुई थी, उसकी कार पहाड़ी से नीचे गिर गई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जब लोग रात को वहां से गुजरते, लोगों को वो कार और लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती। जो उसे लिफ्ट नहीं देकर आगे बढ़ जाते थे, उन्हें फिर बार बार वही दिखाई देती थी, और जो उसे लिफ्ट दे देते उनकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती थी। अब सुबह के 4:15 बज चुके थे। तीनों कुछ देर रुकने के बाद आगे बढ़ने लगे। अब वो लोग शिमला पहुंच चुके थे। तीनों होटल पहुंचने के बाद बहुत थक चुके थे, लेकिन डर के कारण तीनों जरा सा भी आराम नहीं कर पाए। तीनों इतना डर चुके थे कि उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने 31st की रात की पार्टी कैंसिल कर दी और अगली सुबह दिल्ली अपने अपने घर लौट आए। आज भी तीनों खौफ में जीते हैं। तीनों को तलाश है किसी ऐसे की जो उन्हें उस ट्रॉमा और मुसीबत से बाहर निकाल सके। तो यह थी आज की स्टोरी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है
तो आप हमारे साथ हमारे इंस्टा में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी हो सकती है हमारी अगली हिट। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ मिलती रहेगी। तब तक के लिए डरते रहिए।